Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो दोस्तों, मैं दीपेंद्र पाल हमारे YouTube चैनल Easy to Make Pro में आपको स्वागत करते हैं। तो देखा है आपने, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक डोर लॉक और एक डोर क्लोजर। तो वीडियो को लास्ट तक देखना जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। और दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर देना, जिससे कब भी हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करें इस चैनल में तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सो दोस्तों, इधर में आपका जो सिटकिनी है उसका माप लेना है। तो इस साइड से मतलब जितना दूर जाता है तो ये 2.5 सेंटीमीटर और इधर में नीचे से एकदम 3 सेंटीमीटर इसका माप आपको रखना है। याद में आपको एक गियर मोटर लेना है, आप कोई भी गियर मोटर यूज़ कर सकते हैं, मैं ये लाइट से निकाला हूँ। और ऐसे आपको पीवीसी पाइप से एक सीट बना लेना है। आप ऐसे माप लेकर इस सीट को इधर से लेकर काट लेना है। तो देख सकते हैं हमने इसको काट लिया है। अब जो गियर मोटर है इसका इधर में हम एक छेद करेंगे और दोनों छेद करेंगे नट को लगाने के लिए, हम ऐसे लगाएंगे। सो दोस्तों, देख सकते हैं हमने छेद कर लिए हैं। अब इस मोटर को लेंगे और ऐसे दोनों स्क्रू लेंगे। अब इस मोटर को इधर में लगाएंगे और दोनों जो स्क्रू है उसको भी इधर में लगा देंगे। आपको ऐसे यू शेप का बना लेना है पीवीसी पाइप से। और ऐसे देख सकते हैं इसका माप इतना होगा, इसको लेना है। लेने के बाद आपको ये लेना है, लेने के बाद हमें छेद करना है इसमें लगाने के लिए। तो हमने छेद कर लिए हैं, अब इस गियर मोटर में लगाएंगे। देख सकते हैं ऐसे आपको लगाना है। लगाने के बाद इधर में फिर कोई ग्लू लगा देना है। तो दोस्तों, हमने लगा चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब हम ऐसे पीस लेंगे 12 mm की प्लाईवुड के, तीनों करके 6 पीस लेंगे। लेने के बाद इस पीस को ऐसे चिपकाएंगे 3 एक साथ। तो दोस्तों, चिपकाने के बाद एक कुछ ऐसा दिखेगा। अब इधर में फिर कोई ग्लू से और इधर में फिर कोई ग्लू से चिपका देंगे। तो दोस्तों, हमने चिपका लिया है। अब हमारे इधर में और इधर में एक छेद करेंगे और हमारा ये बन चुका है। अब हम इसको लगाएंगे और ऐसे दो स्क्रू लेंगे इधर में लगाने के लिए। आप नट का भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपका पतला डोर है तो आप इसको मिडिल में रख के इसको लगा देंगे और इधर में दोनों स्क्रू लगा देंगे अच्छे से फिक्स करने के लिए। तो दोस्तों, उसके पहले आपको वैसा बना लेना होगा पीवीसी पाइप से। और इसको हम लगा रहे हैं जिससे एक सिटकिनी नीचे और ऊपर ना रहे, एकदम सीधे मिडिल में रहे। और इधर में हम ग्लू से इसको चिपका देंगे, कोई भी ग्लू यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसा दिखेगा। कार्डबोर्ड से आपको लंबाई में 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई में 1.5 सेंटीमीटर माप वाला दो पीस काट लेना है। और दो पीस जो लंबाई में 6.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई में 2.5 सेंटीमीटर और दो पीस जो लंबाई में 9 सेंटीमीटर चौड़ाई में 2.5 सेंटीमीटर और दोनों पीस जो लंबाई में 9 सेंटीमीटर और चौड़ाई में 6 सेंटीमीटर एक कार्डबोर्ड से बना है। अब दोस्तों, फेविकोल ग्लू के मदद से आपको इस दोनों चीट को ऐसे चिपका लेना है अच्छे से। वो चिपकाने के बाद ए पीस लेना है, देख सकते हैं चौड़ाई में जो 1.5 सेंटीमीटर है। और इसको हम इधर में चिपकाएंगे। तो हम 9 वोल्ट का बैटरी इधर में लगाने के लिए इसको बना रहे हैं। तो दोस्तों, हमने चिपका चुके हैं, अब हम उसको उल्टा कर लेंगे। अब दोस्तों, ऐसे कॉपर वायर को हम अच्छे से छील लेंगे। तो दोस्तों, आप एक कुछ ऐसा निकलेगा। अब इसमें से जो 5 तार है उस 5 तार को लेंगे, लेने के बाद एक साथ अच्छे से मोड़ लेंगे। देख सकते हैं हमने दोनों बना लिए हैं, ऐसा दिखेगा। और इस बोर्ड को ले
आएंगे, हमारे पास कैप नहीं है तो हम कैप की तरह बनाएंगे। ऐसे कॉपर वायर को ऐसे इसके ऊपर देखिए ऐसे मुड़ा लेंगे। देखिए ऐसे मोड़ने के बाद हम ऐसे जो दोनों सिरा है दोनों के साथ ही ऐसे करेंगे। अब दोस्तों हम ग्लू गन से मदद से इधर में ग्लू लगा देंगे जिससे कैप की तरह बन जाएगा और हमें कैप लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका पॉजिटिव वाला तार इस योलो तार के साथ और नेगेटिव वाला तार ग्रीन के साथ ऐसे कनेक्ट कर देंगे। अब दोस्तों ये जो निकला हुआ तार है इसको हम फेविक्विक से मदद से अच्छे से चिपका देंगे। अब दोस्तों ऐसे कार्डबोर्ड का पीस लेंगे और इधर में फेविक्विक से लगा देंगे। इसको देख सकते हैं हमने लगा चुके हैं। अब 6 सेंटीमीटर लंबाई में माप वाला कार्डबोर्ड को लेंगे। इस तार को निकालने के लिए इधर में हम काट लेंगे और काटने के बाद इसको इधर में चिपका देंगे। तो दोस्तों हमने चिपका लिए हैं अच्छे से देख सकते हैं। अब दोस्तों अब जो पीछे हुए हैं इसको भी लगाएंगे। तो अब से अब 6 सेंटीमीटर लंबाई में माप वाला लेंगे और उसके अंदर इसको ले लगा देंगे जो हमने बनाया था उसका। अब ऐसे इसके अंदर ढक्कन की तरह इसको लगा देंगे, इसको चिपकाने की कोई ज़रूरत नहीं। अब दोस्तों अब ऐसे पीस जो हमने काटा था स्विच बनाएंगे उसको लेंगे, लेने के बाद इसको ऐसे ऊपर में कर देंगे देख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम इसको लगाएंगे तो उसके लिए हम ऐसे सेली ट्यूब लेंगे, लेने के बाद इधर में सेली ट्यूब लगा देंगे। लगने के बाद अब इसको लगाएंगे और अच्छे से इसको चिपका देंगे। तो ऐसे हम दूसरे बल्ले के साथ भी करेंगे। तो दोस्तों हम आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। ये देखिए बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं। ये जो सिलाई करते हैं उसके पास से मिलते हैं जो 5 रुपये में आपको मिल जाएगा ऐसा पहिया। और आपको ऐसे कील लेना है, लेने के बाद इस पहिया में ऐसे लगा देना है। अब दोस्तों इसके नीचे ऐसे कुछ भी लगा सकते हैं आप इसको ऊँचा रखने के लिए। अब इसको लगाने के बाद अब इधर में हम इसको अच्छे से ठोक देंगे तो हमारा गेट के कोने में ऐसा एक नाट लगाएंगे। तो दोस्तों हम ऐसा एक धागा लेंगे, लेने के बाद जो हमने नाट लगाया था उधर में इसको बांध देंगे सख्त करके। तो दोस्तों हम इस पहिया को ऊपर इस धागा को रखेंगे और गेट को खोल देंगे जितना तक ये खोलता है। खोलने के बाद जितना बचता है इसको रख के ये धागा इधर से हम काट लेंगे। अब दोस्तों ऐसा एक बोतल लेंगे और बोतल को लेने के बाद अब हम इस धागे के लास्ट में इसको बांध देंगे। अब दोस्तों इस गेट को खोल देंगे जितना तक खुलता है। तो खुलने के बाद अब हम इसमें पानी लेंगे जितना हम जब तक एक गेट अपना आप नहीं आता इधर तक बंद नहीं होता तब तक इसमें पानी ढलते रहेंगे। देख सकते हैं हमने पानी डाल रहे हैं। डालने के बाद देख सकते हैं थोड़ा सा खींचेंगे, देखिए ऑटोमेटिक एक गेट लग जा रहा है। अब दोस्तों टेस्ट करके दिखाते हैं। ये हमने गेट खोल दिया है और छोड़ दिया, देखिए ऑटोमेटिक गेट लग जा रहा है। में आएंगे जो हमने रिमोट बनाया था लॉक अनलॉक का, इसको लेंगे और जो हमने तार बड़ा कर दिया है इसका और इसका प्लस माइनस जो तार है मैंने एक फीमेल जैक के साथ लगाया है, आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसका प्लस के साथ वो मोटर का प्लस और माइनस के साथ माइनस कनेक्शन करेंगे। अब जितना बड़ा तार लगाएंगे तो उतना दूर से डोर को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ, देखिए अनलॉक लॉक अनलॉक ऐसे एक काम करेगा। अब जितना दूर से हो सके कर सकते हैं, तार को बड़ा करना है सिर्फ। देखिए गेट को खोल रहे हैं हम, गेट खोल दिए हैं, छोड़ दिए, ऑटोमेटिक गेट लग गया। फिर से देखिए ए लॉक कर दिया, ए अनलॉक। देखिए दोस्तों ये बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, शायद इसको आपको अच्छा लगा। देखिए एकदम ओरिजिनल जो लॉक है उसके तरह है और ये बाहर से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमने खोल सकते हैं और लॉक कर दे, देखिए हमने लॉक कर दिया तो इसको खोल नहीं सकते। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और आपको कैसा वीडियो चाहिए मुझे कमेंट करके बताना, मैं वैसा वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। और लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलता है अगली वीडियो में, आपका दिन शुभ हो।